Hello dear students, now lockdown 3 has been started and I hope that all of you are fine. So dear students, आपकी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही है और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, ये मुझे पता है। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर जो कि वेस्ट है आपका EMF ऑफिसियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बच्चों, हम जो प्रीवियस अप्रोच हमारी थी जिसमें हम एक बैटरी लगाते थे और बैटरी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जनरेट करवाते थे और उससे आपकी ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते थे, यहाँ पे हम अपने अप्रोच को स्लाइटली बच्चों चेंज करेंगे और हम अपने अप्रोच को एक नए तरीके से देखेंगे, दैट इज EMF ऑफ ए सेल। मैं बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। बच्चों इलेक्ट्रिक ईईएल एक ऐसी प्रजाति है फिश की जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। उस फिश की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं बेटे, और वो जो फिश है 600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है अपने बचाव के लिए और आसपास के छोटे छोटे प्रेस को पकड़ने के लिए, और खुद उसको कोई भी शॉक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो बच्चों 600 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो इतनी ज़्यादा है कि आप एक घोड़े को यदि वो वोल्टेज प्रोवाइड करवाओगे तो वो एक उसको ऐसा फील होगा जैसे उसको पंच लगा है और पंच लगने से वो नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से तो ये फोर्स लग रहा है लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव ये फोर्स जो है ये हिस्टोरिकल इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकली इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो इसकी तो हमने इसकी हिस्ट्री में तो जाना नहीं, जब हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग EMF या कैसे आपका करंट फ्लो करता है, बैटरी कैसे फंक्शन करती है, जब भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था उस टाइम पे, तो ये टर्म जो है वो कॉइन कर दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, राइट, ड्राइविंग फोर्स। तो ये ड्राइविंग फोर्स हमें क्या देती है, ये ड्राइविंग फोर्स मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट, मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये सबसे इम्पोर्टेंट EMF का डिवाइस है हमारे पास जो हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करता है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है। तो ये इम्पोर्टेंट सोर्स है EMF का। EMF के और भी सोर्स है बच्चों आपके पास, जैसे आपका सोलर सेल है, राइट। तो सोलर सेल भी क्या है, EMF का सोर्स है बेटे, ठीक है। तो लार्ज स्टोरेज जो बैटरी है आपके पास वो भी आपका क्या है, EMF का आपका सोर्स है, ठीक है। वो भी क्या आपके पास है, EMF का क्या है बच्चों, वो सोर्स है। तो बेटे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताएंगे कि सेल क्या होता है बेटे। तो सेल आपको पता है एनर्जी को स्टोर करता है बेटे, ठीक है। एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। आप इसको पंप भी बोल सकते हो बेटे, राइट, एनर्जी पंप भी बोल सकते हो आप। तो सेल की और कैपेसिटर की जो डिफरेंस है वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आपको यदि और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पता करना है तो पिछला लेक्चर आप आराम से देख सकते हो बेटे। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको कैपेसिटर और बैटरी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो बच्चों जब हम बहुत सारे सेल एक साथ सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोल देते हैं बच्चों, बैटरी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि EMF ऑफ ए सेल ये क्या होता है बेटे, ठीक है। EMF ऑफ ए सेल इसको हम क्या बोलते हैं बेटे।
तो बच्चों जब हमारे पास ओपन सर्किट है, एक मिनट में बोलूंगा ओपन सर्किट, तो आप बोलोगे सर ये ओपन सर्किट कहाँ से आ गया। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम दुकान पे गए और दुकान पे हमने बोला कि हमें 1.5 वोल्ट का सेल दे दो, राइट। तो आप वहां से 1.5 वोल्ट का सेल लेके आ गए। तो बच्चों अब हमने उस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया, उस सेल से हमने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया। ये आपका सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अभी तक हमने इस पर्टिकुलर सेल से कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ नहीं किया। जब हमने सेल से पर्टिकुलर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया तो जो इसके टर्मिनल पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है, इसी को हम इसकी ईएमएफ ऑफ ए सेल बोल देते हैं। तो बच्चों ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, आपने इस पर्टिकुलर सेल को ज्वाइन करवा लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे की रखी है बच्चों आपने क्या किया, सेल को एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट करवा लिया, और यहाँ पे आपने की को क्या रखा है बच्चों, ओपन रखा है। तो जब आपने की को ओपन रखा है तो ये जो सर्किट है इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, ओपन सर्किट। ये आपका ओपन सर्किट है क्योंकि हमने कोई भी करंट सेल से ड्रॉ नहीं किया। तो उस टाइम पे जो टर्मिनल यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है बच्चों, ईएमएफ ऑफ दी सेल के बराबर है आपका, ठीक है। ईएमएफ ऑफ दी सेल के बराबर है आपका ये पर्टिकुलर यो वोल्टेज। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बच्चों ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है, तो मैं आपको सेल की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स रखी है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या बैठे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज, राइट। और बीच में क्या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो अब आपने क्या किया, इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया और उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने ज्वाइन इसको करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आपका करंट आई फ्लो होगा, राइट, जैसे ही आपका करंट आई फ्लो होगा तो क्या होगा बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा आपका करंट, ठीक है। हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये, तो करंट कैसे जाएगा आपका, करंट आई आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो बच्चों जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा आपका करंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपके जो चार्ज पार्टिकल है उसने क्या कर लिया बेटे, एक लूप कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब जो बैटरी है उसका काम क्या है, चार्ज कैरियर की मूवमेंट करवाना। तो इसने यहां से लेकर, यदि हम इसको पॉजिटिव चार्ज की फ्लो को मान लें, तो यहां से लेकर यहां तक इसने क्या करवा दिया, इस पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करवा दी। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन को भी हम ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक हमारी हुई है। तो बेटे विद इन सेल यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये आपके पास कौन से टर्मिनल है बेटे, इसको एनोड बोलते हैं इलेक्ट्रोड को, इसको कैथोड बोलते हैं बेटे, ठीक है। तो एनोड और कैथोड यहाँ पे क्या होगा बेटे, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण जो मूवमेंट है बेटे, राइट, मूवमेंट है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है आपकी वो किस तरफ होगी बेटे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। एक्चुअल में जो विद इन सेल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो सेल के अंदर का मैकेनिज्म है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है, होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के इधर आने का क्या कारण है बेटी, इलेक्ट्रॉन के इधर आने का कारण है सेल के अंदर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको एक्सीड कर रही है, जिसके कारण मूवमेंट है आपकी इलेक्ट्रॉन की आपके एनोड की तरफ हो रही है। तो विद इन सेल, जो विद इन सेल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे होगी। दूसरे शब्दों में अब हम इसको आसानी से समझते हैं बेटे, मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वायर के थ्रू इस पोटेंशियल ने इसको भगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके क्या होगा बेटे, ये यहाँ पे आके ये न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, केमिकल रिएक्शन से, और कहाँ से काम फ्लो करेगा, यहाँ से इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी बेटे, यहाँ पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये केमिस्ट्री में आपने अच्छे से प्लस टू में समझना है, यहाँ पे आप साल्ट बेस की हेल्प भी लोगे। तो हमने जो बेसिक जो चीज ड्रॉ करनी थी वो बतानी थी आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो दी रेजिस्टेंस, साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठे नोट्स भी बनाते रहो, दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू दी फ्लो ऑफ चार्ज इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, आप इसको दोबारा से रिपीटेशन में दोबारा से इसकी सेल के अंदर कैसे काम हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, उसको दोबारा से आप एक बार फिर सुनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है ये कौन कौन से फैक्टर पे बच्चों डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले नंबर पे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। कई बार क्या होता है बेटे, हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच, राइट, और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हम रखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ दी जो आइंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी कैसे होगी विद इन दी सेल। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। दूसरे नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या थी, एनोड थी, ये बच्चों आपके पास क्या थी, कैथोड थी। तो यहाँ पे जो दूरी है, राइट, यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन पास होंगे। दूरी को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ऑल्सो इंक्रीज। और तीसरे नंबर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो बच्चों एरिया ऑफ द प्लेट्स के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वो फैक्टर है, ये आप साथ साथ कॉपी पे लिखते रहो। एरिया यदि आपका ज़्यादा होगा प्लेट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपका कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का बेटे आपका कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे हम किसके लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, सेल के साथ हम डील करने वाले हैं अगली पर्टिकुलर यूनिट में, बैटरी, बहुत सारे बैटरी भी यूज करेंगे हम, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आगे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि किरचॉफ लॉ जो अगली यूनिट आपकी
वो आपकी इंटायरली सेल की वर्किंग के ऊपर या बैटरी की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर में बने रहो, इसको ध्यान से देखो और ये इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट पक्का करिए बच्चों, ठीक है, कमेंट पक्का करिए ताकि मुझे अच्छी फीडबैक मिले, चाहे पॉजिटिव है कमेंट चाहे नेगेटिव है। आप मेरे सुधार के लिए मुझे कमेंट पक्का करिए, मैं अल्टीमेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, अल्टीमेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, टेक्नोलॉजी की कमी है। उसके बाद भी बेटे लॉकडाउन में हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ जो मैटर है उसको हम इंक्रीज करें। तो आप बने रहिए और ध्यान से आप सुनिए, आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बिल्कुल अंदर जाके, ऐसे नहीं कि बाहर बाहर से बता दिया और आपका खाना पूर्ति कर दी। कोशिश करेंगे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भीतर जाके बताया जाए कि यार इसमें ये चीज छुपी पड़ी है, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अब ये एक्सप्रेशन का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, आप बोलोगे सर ये सेल दिख रहा है, लेकिन जनरली जब हम इसकी बोर्ड EMF ई लिख देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, बैटरी आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स सीरीज में कंबाइंड है। अब ये बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा बेटे, तो जनरली हम जब भी नोटेशन करेंगे तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लिख लेंगे बेटे, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, सीरीज में लिख देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट, और यहाँ पे लगा देंगे बच्चों हम की, जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट आई आपका फ्लो हो जाएगा। तो बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी बेटे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, बैटरी का काम स्टडी फ्लो करवाना है करंट का, बैटरी का काम चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को करवाना है। तो बच्चों बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी, कहाँ वर्क करेगी, एक तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा आपके पास V1, और यहाँ पे आपका वर्क डन कितना होगा विद इन द सेल V2, राइट। तो आपके पास टोटल वर्क डन जो है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा आपके पास V1 प्लस बच्चों कितना हो गया V2। तो V जो जहाँ से जो वोल्टेज है उसने क्या काम किया आपके पास V1 प्लस V2, तो बच्चों V1 कितना आपके पास I × R, यहाँ V की बजाय हम यदि E लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो IR + IR, तो बच्चों हमारे पास आएगा IR + R। तो जो EMF है, जो सेल की EMF है, किसने क्या काम किया, इसने एक्सटर्नल सर्किट में करंट आई फ्लो करवाया, इस EMF ने क्या काम किया, एक्सटर्नल सर्किट में करंट IR यहाँ पर टेंशन काम करवाया, करंट को फ्लो करवाया, और यहाँ पे इतना ओम्स ला लगाया, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, आई करंट सीरीज में सेम है और R क्या आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास यहाँ पे I = कितना आ गया E R + R। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप I = टोटल EMF डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज, सम ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों अब हम डेफिनेशन लगाएंगे कि यदि भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, बी क्या हुआ बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप इस R रेजिस्टेंस के अबाउट, तो हमारे पास बी कितना आएगा E R + R × R, तो ये हमारे पास आ गया V = E R + R × R। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको हम फर्दर यूज करेंगे। अगेन बेटे हम डेफिनेशन लगाएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, अगेन हम डेफिनेशन लगाएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमारे पास क्या आएगा, फटाफट हम सर्किट कंप्लीट कर लें बेटे, तो ये आपका इंटरनल पॉजिटिव नेगेटिव और ये एक्सटर्नल आर। तो अब ध्यान से देखो बेटे, यदि मैं ये बोलूं कि जो बी है वो मेरे पास कितना है E - IR, तो ये आपके पास बी जो है इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बच्चों ध्यान से देखो आप इसको, ठीक है, इसको समझा देता हूँ आपको ये कैसे है। यहाँ पे बेटे, यहाँ पे जब आपका ओपन सर्किट है,
राइट। ओपन सर्किट का मतलब आपका की ओपन है तो आई कितना आपके पास है, आई कितना बेटे आपके पास जीरो, तो भी यो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है ई, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। लेकिन जैसे ही सर्किट को हम क्लोज करेंगे तो सर्किट को क्लोज करने पे क्या जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका कितना हो जाएगा बेटे बी हो जाएगा, और बी किसके बराबर आएगा क्योंकि पहले यहाँ पे कितनी वो ईएमएफ है ई है, अब ये ईएमएफ कितनी कम हुई माइनस आई आर से, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो ओपन सर्किट में बी इज इक्वल टू ई, और क्लोज सर्किट में बेटे क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों आपके पास, यहाँ से थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे हम तो हमारे पास आएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस बी, तो आर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे ई माइनस बी बाय में आई, राइट। तो ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे हम ई माइनस बी, आई कितना होता है बी बाय में आर, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम आगे भी यूज करेंगे पोटेंशियल मीटर के एप्लीकेशन में, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई माइनस बी बाय में बी इंटू आर, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के। तो अब हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस b इज इक्वल टू e माइनस आई आर, ये हमारे पास है b इज इक्वल टू e माइनस आई आर, तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व b इज इक्वल टू e माइनस आई आर। तो बच्चों सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना मैं सारे ग्राफ आपको बताऊंगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे e वर्सेस r, emf वर्सेस रेजिस्टेंस, तो बच्चों ईएमएफ वर्सेस आपका रेजिस्टेंस, ठीक है आपका रेजिस्टेंस ई वर्सेस आर, राइट। तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए बेटे, तो ये ग्राफ आपका कैसे आएगा ई और इंटरनल छोड़िए आप एक्सटर्नल के साथ ड्रॉ करोगे आप क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं मैं, सबसे पहला ग्राफ आपका E वर्सेस R के बीच हम ड्रॉ करेंगे, R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच, तो ये ग्राफ कैसा आएगा बेटे ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब सर्किट आपका ओपन है, राइट सर्किट कैसा है बेटे आपका ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में आई कितना होगा बेटे आपका जीरो होगा, आपका आई कितना होगा आपके पास जीरो होगा, और बी इक्वल टू कितना होगा आपके पास E, और यहाँ पे कितना आपके पास आई आर इक्वल टू E, कितना बच्चों आपके पास है आई आर इक्वल टू ये आपके पास है v इज इक्वल टू कितना आपके पास बच्चों ये e, ठीक है b इज इक्वल टू e, तो जो emf ऑफ द सेल है वो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं करवाया, राइट जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं करवाया तो emf जो है सेल की वही रहेगी, EMF जो है सेल की वही रहेगी, EMF is independent of external resistance, external resistance पे EMF का कोई भी इफेक्ट आपके पास नहीं है। दूसरा ग्राफ बच्चों ड्रा करेंगे V versus R के बीच, V versus R के बीच, तो बच्चों ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ है हमारे पास ये V और ये आपके पास R, राइट B वर्सेस R के बीच ये आपका ग्राफ है, तो B इज इक्वल टू कितना आपके पास E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ठीक है, और यहाँ से एक फार्मूला हमने और भी किया था B इज इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट, तो I कितना आपके पास E R प्लस R इंटू R, तो ये कितना गया E राइट 1 प्लस R बाय में R,
वन प्लस कितना बेटे आर बाय आर, ये तीन फॉर्म में है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब आर जीरो है, यहाँ से देखना आपने, आर जीरो है, आर जीरो तो बी कितना बेटे जीरो, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बेटे ओरिजिन से, राइट। जब आपके पास जैसे जैसे आर आपका इंक्रीज करेगा, राइट, आर इंक्रीज करेगा तो बी भी आपका इंक्रीज करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा बच्चों आपका इंक्रीज करेगा। तो अब ध्यान से देखो बेटे, जब आर आर इज इक्वल टू आर के बराबर है, जब आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास क्या आएगा बी इज इक्वल टू ई, राइट, आर प्लस आर का बेटे टू आर बाय में आर, तो ये कट गया ई बाय टू। देखो ध्यान से बेटे, यहाँ पे आएगी वैल्यू, ये कितना आएगा ई बाय टू, और जब आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, तो बी इज इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई। तो आई थिंक ग्राफ का नेचर आपका ऐसे आएगा बेटे, अब ड्रॉ करके भी देख लेना। और जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो आपके पास बी वर्सेस आई का, तो ये जो ग्राफ ग्राफ है बेटे ये बहुत हेल्पफुल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब हम जो थर्ड और लास्ट जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो बी वर्सेस आई के बीच, तो वोल्टेज वर्सेस आपका आई, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट को प्लॉट कर लिया, वाई के लॉन्ग किसको कर लिया बेटे हमने वोल्टेज को। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, यहीं से हम चलते हैं। तो बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो बच्चों थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, बी इज इक्वल माइनस आर आई प्लस ई। तो बेटे यदि हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज प्लॉट किया है तो क्या आएगा वाई, राइट, इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है m आपका स्लोप है, और स्लोप कैसी है बेटे नेगेटिव, और c कैसी है आपकी इंटरसेप्ट आपकी पॉजिटिव, ठीक है, इंटरसेप्ट कैसा आपका पॉजिटिव। तो अब जो ग्राफ है आपका उसका नेचर जो आपके पास ऐसे आएगा बेटे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप, और स्लोप कितनी आपके पास माइनस आर, स्लोप कितनी है बच्चों आपके पास माइनस आर। अब बेटे ध्यान से यहाँ पे देखना, जब आपके पास बी जो वोल्टेज है, जब आपके पास आई जीरो है बेटे, राइट, पहला पॉइंट, जब आपके पास आई जीरो है तो आई जीरो तो बी कितना आपके पास बी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे कितना होगी वैल्यू, यहाँ पे ई वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे बी, इसको ए पॉइंट बोल दो, बी है इक्वल टू ई। अब इस यहाँ पे आपकी वोल्टेज जीरो है और करंट मैक्सिमम है, तो बच्चों जब वोल्टेज जीरो होगी आपके पास, तो वोल्टेज जीरो है यहाँ पे, तो आपके पास ई कितना आपके पास ई इज इक्वल टू आई आर, तो आर कितना होगा बेटा आपके पास ई बाय आई, तो ई बाय आई किसके बराबर है, ये ई है ये आई है, इसी बी इज इक्वल टू स्लोप के बराबर बेटे, ठीक है, और स्लोप कैसी है यहाँ पे नेगेटिव, तो स्लोप इज यूज टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बच्चों यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करिए, इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको फर्दर मिलते रहेंगे।